अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसके अंदर क्या बोलते हैं, यू जस्ट बिलीव इन जीसस, जीसस में विश्वास रखो, ही विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या कहा जा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, आप जो भी करना है करते रहो, यू जस्ट हैव टू बिलीव। यहां पर ये नहीं कहा जा रहा है, गीता का उद्देश्य, गीता का आदेश क्या है, सततम कीर्तयन्तो माम, सर्वधर्मान परित्यज्य जो है वो हर क्षण है, केवल एक बार सरेंडर नहीं है, वो सरेंडर एट एवरी मोमेंट। तो इसलिए जब हम कल्चर ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट कल्चर ऑफ एक्शन शुड बी ऑल थ्रू आवर लाइफ, एवरी प्लेस, एवरी मोमेंट, इन एवरी सिचुएशन। देन देयर इज कल्चर ऑफ स्पीच। ये अलग अलग हमारे आचार्यों ने, भगवान ने ग्रंथों में क्यों अलग अलग दिया है कि आपके कर्मों को कैसे आपको सुसंस्कृत बनाना है, आपकी स्पीच को, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, भगवान ने स्पेसिफिकली स्पीच के बारे में वो श्लोक कहा है कि आपका स्पीच कैसा होना चाहिए। क्योंकि अब एक तरफ तो हाँ हमने ठीक है, भक्तों के संग में जब रहते हैं तो हमारा वो एकदम टिपिकल वैष्णव स्पीच रहता है, प्रभु दंडवत वांछाकल्प, हाँ और कई बार हम जब अपने काम पर जहां पर कोई भक्त नहीं है तो वहां पे दूसरी डिक्शनरी निकलती है बाहर। तो होता क्या है कि जब एक माहौल में हम एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं और जैसे ही माहौल बदल जाता है और हमारी वोकैबुलरी बदल जाती है तो समझ में आ जाना चाहिए कि फिर वो एक प्रामाणिक साधक नहीं है, वो गिरगिट के रंग हो रहे हैं, बदल रहे हैं फिर कि संघ के अनुसार उसकी वोकैबुलरी बदल रही है। तो होगा क्या कि जो देखेगा कि अरे भाई ये मंदिर में तो एकदम वैष्णव भाषा बोलता है और यहां के माहौल में अब क्या बताएं वो क्या भाषा है, तो उसे धीरे धीरे उसे क्या लगेगा कि भाई ये सब कुछ ओके है, ये कुछ सब कुछ स्वीकारणीय है कि आप मंदिर में अलग और मंदिर के बाहर अलग, आपके एक्शंस मंदिर में अलग मंदिर के बाहर अलग, आपकी स्पीच मंदिर में अलग मंदिर के बाहर आपकी स्पीच अलग। बीइंग अ कल्चर्ड डिवोटी मींस योर एक्शंस योर स्पीच शुड हैव द कंसिस्टेंसी, कल्चर ऑफ थॉट्स कि हां हम एक विचारधारा को प्राप्त करते हैं, जब हम साधना भक्ति में लगते हैं तो हमें एक विचारधारा दी जाती है कि इस विचारधारा के बलबूते पर हमें साधना भक्ति करनी है। परंतु जब हम अपने माहौल को उस विचारधारा के अनुसार नहीं बनाएंगे तो फिर हम जहां कहीं पर भी रहें, जैसे कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि एक परिस्थिति है एक मनस्थिति है, तो हमारी मनस्थिति के अनुसार हम परिस्थिति बनाते हैं और जो परिस्थिति हमने बनाई है उस परिस्थिति के बलबूते पर धीरे धीरे हमारी मनस्थिति बनती है। अगेन जैसे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों रिलेशनशिप लिया, परा और अपरा, दे बोथ हैव टू बी कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, नॉट कॉन्ट्रेडिक्टिंग ईच अदर, दे बोथ शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, हमारी जीविका और हमारे जीवन तत्व।